तो आज इस वीडियो में हम प्लाजो को स्टिच करना सीखेंगे और ये प्लाजो सिलना बहुत ही इजी है। आप 10 मिनट में इस प्लाजो को सिल लोगे। पिछले वीडियो में मैं इसकी कटिंग बताई थी और इस वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लाजो में सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे, ठीक है। इधर के साइड हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और दोनों कपड़े को बराबर रख करके दोनों का फ्रंट साइड एक साइड रहेगा, ठीक है, आमने सामने रहेगा, और दोनों कपड़े को बराबर मिला करके हाफ इंच छोड़ के स्टिच लगाएंगे। एक साइड के क्रॉच एरिया को स्टिच करने के बाद अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बेल्ट कट करी थी तो इधर मैं एक साइड स्टिच कर ली हूँ और स्टिच करने के बाद ऊपर के साइड से मैं सिलाई भी लगा ली हूँ और मार्जिन वाला जो फैब्रिक है वो सिलाई के साइड ही रखी हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें इलास्टिक को अटैच करूँगी। तो इलास्टिक कितना लेना है वो पहले देख लेंगे, ठीक है। तो जितना आपका वेस्ट राउंड रहेगा उसमें से आपको 4 माइनस करना है और 1 प्लस करना है, मतलब 1 ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड क्यों करना है 1, क्योंकि इलास्टिक को हम स्टिच करेंगे एक साइड से तो उसमें मेरा हाफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1 इंच ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो वेस्ट है वो 28 इंच का है तो उसमें मैं 4 माइनस करूँगी तो कितना आएगा 24 इंच, उसमें मैं 1 प्लस कर दूँगी तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 25 इंच। तो मैं यहाँ पे 25 इंच पे कट कर लूँगी। अब मैं इसको एक के साइड इधर यहाँ पे इधर के साइड इस तरह से इलास्टिक को रखूँगी और इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, हाफ इंच का फोल्ड करूँगी और इसके बाद एक बार और मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे मैं इलास्टिक को सेट करूँगी इस तरह से। उससे पहले मैं यहाँ पे एक स्टिच लगा दूँगी जिससे क्या होगा कि इलास्टिक इधर उधर हिलेगा नहीं। तो यहाँ पे पहले मैं एक सिलाई लगा करके इलास्टिक को सिक्योर कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा दूँगी। अब मेरी बेल्ट अटैच हो गई है इलास्टिक के साथ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड क्रॉच एरिया को स्टिच करूँगी। तो इस तरह से बराबर से मिला करके इसमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ूंगी और उसके बाद इसमें स्टिच लगा दूँगी। Thank you.
यहाँ पे मैं दोनों साइड क्रॉच एरिया पे स्टिच लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पे साइड की सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड, ठीक है। तो इसमें मेरी बेल्ट भी अटैच हो गई है, क्रॉच एरिया की भी स्टिचिंग हो गई है। अब नीचे की साइड की सिलाई लगानी बाकी है, तो वो भी सिलाई लगा लेते हैं। साइड के सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ इसको मैं कट कर दूंगी और ये प्लाजो बन के रेडी हो गई। मैं इसका फुल लुक दिखाती हूँ। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।